नमस्कार, मैं डॉक्टर श्वेता सिंघा हूँ और मैं एक न्यूरोलॉजिस्ट हूँ द्वारका दिल्ली में। हमारे पिछले लेक्चर में हमने बात की थी पार्किंसन डिजीज़ के लक्षण के बारे में और पार्किंसन डिजीज़ की मैनिफेस्टेशंस क्या है, सिम्टम्स क्या है, उनका डायग्नोसिस कैसे करते हैं और उसकी मैनेजमेंट या ट्रीटमेंट कैसे होती है। आज हम बात करेंगे कि पार्किंसन डिजीज़ में एक्सरसाइजेस का क्या रोल है। बेसिकली एक्सरसाइजेस बहुत इंपॉर्टेंट हैं पार्किंसन डिजीज़ के पेशेंट में। अगर हम चाहते हैं कि पार्किंसन डिजीज़ किसी पेशेंट में ना बढ़े तो हमें ये याद रखना है कि उस पेशेंट को एक्सरसाइजेस रेगुलर बेसिस पे करनी है। सो बेसिकली एक्सरसाइजेस हैव टू बी डन ऑन द डेली बेसिस इन ऑल दोज पेशेंट्स हु हैव पार्किंसन डिजीज़। दिस इज़ वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट वेज टू हॉल्ड द प्रोग्रेशन रोकने का, कि पार्किंसन डिजीज और ना बढ़े अपने पेशेंट में। तो ये एक बहुत महत्वपूर्ण तरीका है। आज आइए देखते हैं कुछ एक्सरसाइजेस जो हम अपने पेशेंट्स में कर सकते हैं, जो पार्किंसन डिजीज के पेशेंट कर सकते हैं, जो घर पे भी कर सकते हैं। कुछ सिंपल एक्सरसाइजेस हैं और जो कुछ सिंपल फिजिकल एक्टिविटीज हैं। मैंने एक प्रेजेंटेशन बनाई है, आई जस्ट शेयर विद यू। आई थिंक लेट अस स्टार्ट विद दैट प्रेजेंटेशन। ये जो प्रेजेंटेशन बनाई है ये मैंने अपने फिजियोथेरेपिस्ट के साथ हेल्प लेके बनाई है, डॉक्टर राजूपाल, एंड आई वुड लाइक टू थैंक हिम सो मच फॉर हेल्पिंग मी डेवलप दिस वीडियो। डॉक्टर राजूपाल ने सारी एक्सरसाइजेस बहुत ही अच्छे तरीके से दिखाई हैं, इसलिए हम सबको उनका थोड़ा सा थैंक यू करना पड़ेगा। और आई थिंक वी रियली अप्रिशिएट ऑल द हार्डवर्क डॉक्टर राजू दैट यू डू विद अवर पैकेज रजिस्ट्रेशन। आइए एक्सरसाइजेस पे आते हैं। कुछ कोर एलिमेंट्स हैं एक्सरसाइजेस के, एरोबिक, स्ट्रेंथनिंग, बैलेंस एंड स्ट्रेचिंग। एरोबिक का क्या मतलब हुआ? एरोबिक का मतलब हुआ कि वो एक्सरसाइजेस जहाँ पर पेशेंट की ऑक्सीजन डिमांड बढ़ जाती है ना, और पेशेंट की हार्ट रेट बढ़ती है, जैसे कि ब्रिस्क वॉकिंग हुई, स्टेशनरी साइकिलिंग हुई, या फिर जहाँ पर हार्ट बीट बहुत ज़्यादा, हार्ट बहुत कम करने लगता है। सो ये सारी एक्सरसाइजेज आपका स्टेमिना बढ़ाती हैं। स्ट्रेंथनिंग एक्सरसाइजेज होती हैं जहाँ पे आप रेजिस्टेंस बैंड्स या वेट्स यूज करते हैं और मसल स्ट्रेंथनिंग के ऊपर काम करते हैं। बैलेंसिंग एक्सरसाइजेज वो होती हैं जहाँ पे आपका बैलेंस बेटर होता है या कोऑर्डिनेशन बेटर होता है। फाइनली स्ट्रेचिंग एक्सरसाइजेज होती हैं जहाँ पे मांसपेशियों को स्ट्रेच करने में हेल्प मिलती है, जैसे कि योगा। योगा एक हमारे इंडिया में, हमारे भारतवर्ष में योगा एक ऐसी एक्सरसाइज है जो कि सब करते हैं, या फिर सबको एटलीस्ट उसके बारे में ज्ञान है कि होती है, आराम से हमारे को योगा क्लासेस मिल जाती हैं। और सिंपल योगा एक्सरसाइजेस भी पार्किंसन डिजीज को रोकने में बहुत ही महत्वपूर्ण रोल करती हैं, उनका बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट रोल है। कुछ बातें हमें याद रखनी है कि हमें एक्सरसाइजेस चाहे हम धीरे शुरू करें, स्लो करें, बट हाँ रेगुलर करनी है। आप एक याद रखिए, चूहे सॉरी एक कछुए और खरगोश, स्लो एंड स्टडी विंस द रेस। एक वो कहानी होती है जिसमें कछुआ धीरे 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 चलता है और अपने गोल को अचीव कर लेता है। आई थिंक दैट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट स्टोरी दैट वी शुड रिमेंबर एंड वी शुड अंडरस्टैंड कि हम चाहे धीरे चलें लेकिन हम चलते रहें, है ना। तो रूटीन एक बनाना है फिजिकल एक्टिविटी का या एक्सरसाइजेस का, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट फॉर ऑल ऑफ यू। चाहे आप 15 मिनट करें, चाहे 20 मिनट करें, चाहे 30 मिनट करें, जितना भी आपसे होता है आप धीरे धीरे शुरू करिए। आप उसको धीरे धीरे एक्सरसाइजेस को बढ़ाइए, अपने लिए एक गोल सेट करिए कि मैं हफ्ते में मैं कितना एक्सरसाइज करूँगी। कोशिश करिए कम से कम 45 मिनट या 45 मिनट कम से कम 4 टाइम्स अ वीक हमने करना। जो मैं अपने पेशेंट्स को बोलती हूँ कि भाई एक घंटा सुबह और एक घंटा शाम को कोशिश करें अपने 2 घंटे का एक्सरसाइज रूटीन बनाने को, ऑब्वियसली दैट्स वेरी यू नो उसको मतलब दैट्स डिजायरेबल। बट अगर आपसे नहीं होता कोई बात नहीं, आपके पास टाइम नहीं है, आप जॉब करते हैं या फिर आपके बहुत सारे एक्टिविटीज घर पे रहते हैं जिसमें आप बिजी रहते हैं, नो प्रॉब्लम, स्टार्ट विद अ स्मॉल अमाउंट ऑफ एक्सरसाइज बट बी रेगुलर। कोशिश करें वही एक्सरसाइज करें जो आपको पसंद है। किसी को देखिए साइकिल चलाना पसंद है, किसी को डांस करना पसंद है, किसी को योगा पसंद है, और किसी को सिंपली वो कहते हैं मैं सिर्फ वॉकिंग करना पसंद करता हूँ। कोई बात नहीं, आपको जो भी पसंद एक्सरसाइज पसंद है आप वो एक्सरसाइज करिए, बट हाँ
थोड़ा सा अपने आप को पुश करना पड़ेगा। अगर आज आप 5 मिनट चल रहे हैं, कल आप कोशिश करिए 10 मिनट। अगर आपको 10 मिनट नहीं हो रहा, कोई बात नहीं, आप अपने आप को थोड़ा सा, जो पिछला आपका जो गोल था, आप उसको थोड़ा सा सरपास करने की कोशिश करें उसको। तो अगर आप 10 बार रिपीट कर पा रहे हैं तो आप 12 बार करें, आप 12 बार रिपीट कर पा रहे हैं तो आप 15 बार करें। स्लोली एंड ग्रेजुअली इंक्रीज द नंबर ऑफ रिपीट एंड इंक्रीज द ड्यूरेशन ऑफ एक्सरसाइज। सो कमिंग टू द एरोबिक एक्सरसाइज, एरोबिक एक्सरसाइजेस का हमने जनरली बात किया कि जैसे कि आप साइकिलिंग कर सकते हैं, ट्रेडमिल कर सकते हैं, ब्रिस्क वॉकिंग कर सकते हैं, आप वो सारी एक्सरसाइजेस कर सकते हैं। आप ये याद रखें कि कोई भी एक्सरसाइज सस्टेन होनी चाहिए। जब हम एरोबिक्स की बात करते हैं तो हार्ट रेट और ऑक्सीजन डिमांड बढ़ती है, पंप, हार्ट ज़्यादा पंप करता है ब्लड। तो कम से कम सस्टेनेंस रह जाइए इसमें। 10 मिनट की एक्सरसाइज आपने करनी है और इसको रिपीट करना है थ्रू द वीक। 150, जो गोल क्या है हमारा यहाँ पे, गोल है 150 मिनट्स ऑफ मॉडरेट इंटेंसिटी एंड 75 मिनट्स ऑफ विग्रेस इंटेंसिटी जो है पर वीक हमने कर लिया। मॉडरेट इंटेंसिटी क्या होती है? मॉडरेट इंटेंसिटी का मतलब है कि आपने इतनी एक्सरसाइज की कि आप बोल पा रहे हैं, हाँ बट गाना नहीं गा पा रहे। और जो विग्रेस इंटेंसिटी जो होती है वो क्या है कि आप इतनी एक्सरसाइज करी, आपने इतनी हाई इंटेंसिटी एक्सरसाइज की कि आप सिर्फ कुछ शब्द बोल पा रहे हैं लेकिन आपको थोड़ी सी सांस लेने के लिए पॉज लेना पड़ता है। इनमें से एक एक्सरसाइज है जो कि आजकल बहुत फेमस है, हिट बोलते हैं उसको, हाई इंटेंसिटी इंटरवल ट्रेनिंग। इसमें जो एक्सरसाइजर्स हैं वो क्या करते हैं कि वो छोटे छोटे पीरियड्स के लिए हाई इंटेंसिटी एक्सरसाइज करते हैं, फिर वो लेस इंटेंसिटी करते हैं, फिर वो हाई इंटेंसिटी। दिस इज ऑल्सो डूएबल। ये सारी एक्सरसाइजेस जो होती है हिट या एरोबिक्स, जो अर्ली पार्किंसंस डिजीज के पेशेंट है वो आराम से कर सकते हैं। अगर आप अर्ली पार्किंसंस डिजीज के पेशेंट हैं तो आप कोशिश करिए कि एरोबिक एक्सरसाइज का रजीम बनाने की, चाहे हफ्ते में आप 2 या 3 दिन भी करें, पर करें, कोशिश करें। कमिंग टू अदर सेट ऑफ एक्सरसाइजेज विच आर कॉल्ड स्ट्रेचिंग एक्सरसाइजेज। ये स्ट्रेचिंग एक्सरसाइजेज जो हैं ये सारे पेशेंट्स कर सकते हैं। सो बेसिकली एनी पार्किंसन डिजीज पेशेंट कैन डू दी स्ट्रेचिंग एक्सरसाइजेज। आइए देखते हैं कौन कौन से अपर बॉडी और लोअर बॉडी स्ट्रेचेज होते हैं। तो अपर बॉडी स्ट्रेचेज में हम शुरू करते हैं रिस्ट स्ट्रेचेज। सो रिस्ट स्ट्रेचेज में अगर देखिए, डॉक्टर राजू बैठे हैं अपनी एक काउच पे, आप चेयर पर भी बैठ सकते हैं। उन्होंने अपना हाथ एक्सटेंड किया और रिस्ट को उन्होंने एक्सटेंड किया, मतलब उन्होंने पीछे की तरफ खींचा दूसरे हाथ से, और इसको उन्होंने 5 सेकेंड रोका। आप 5 सेकेंड अगर रोक पा रहे हैं तो आप उसको बढ़ा भी सकते हैं, बेसिकली आप उसको 10 सेकेंड तक ले जा सकते हैं। सिमिलरली ये शोल्डर स्ट्रेचेज है। शोल्डर स्ट्रेचेज में आपने क्या किया, आपने कंधे को दूसरे हाथ से खींचा, आप दूसरी तरफ लेके जा रहे हैं। पहले आपने राइट किया, फिर आपने लेफ्ट किया। कोई भी एक्सरसाइज आपने 10 बार रिपीट करनी है। बेसिकली नेक्स्ट स्ट्रेचेज में क्या किया आपने, एक हाथ आप पीछे ले गए, आपने दूसरे हाथ से अपने गर्दन को दूसरी अपोजिट साइड पर खींचा, आपने 5 सेकेंड रोका, फिर आपने दूसरी तरफ अपोजिट साइड पे सेम चीज़ को रिपीट किया 10 सेट्स और 20 सेट्स। आप कोशिश करिए 20 सेट्स नहीं होते आप 10 सेट्स से, अगर 10 भी नहीं होते तो आप 5 सेट्स से रिपीट करिए। नेक्स्ट स्ट्रेचेज बेसिकली राइट अप एंड लेफ्ट साइड, आप इस तरीके से भी करना है आपको नेक को स्ट्रेच। तो एक तो हो गया साइडवेज और एक हो गया आपने लेफ्ट, सिंपल बेंडिंग एक्सरसाइज। टू द राइट अप एंड द लेफ्ट, अगेन रिपीट द एक्सरसाइज फॉर 10 टाइम्स। शोल्डर शर्ट्स सिंपल है, आपने सिर्फ कंधा ऊपर किया और नीचे किया, है ना। इसको आप जितनी मर्जी बार कर सकते हैं, 10 टाइम्स, 20 टाइम्स, मे बी मोर देन 30 टाइम्स, राइट। तो इसको अगेन आपने रिपीट करना। शोल्डर रोटेशंस, रोटेशंस में आपने क्या किया, कुछ नहीं किया, अपने कंधे को आपने आगे घुमाया और देन आपने पीछे घुमाया, सो क्लॉकवाइज किया और आपने ऑपोजिट साइड पे किया। 10 रिपीटेशंस आर मिनिमम, यू कैन डू मोर रिपीटेशंस इफ यू आर एबल टू। फुट रोटेशंस, अब हम ये लोअर बॉडी स्ट्रेचेज हैं। लोअर बॉडी स्ट्रेचेज में सबसे पहले सबसे सिंपल फुट रोटेशन, सबसे पहले आपने आगे किया फुट को, क्लॉकवाइज रोटेट किया, है ना, सारी डायरेक्शंस में, फिर आपने ऑपोजिट साइड किया। सो 5 टाइम्स आपने आगे की तरफ और 5 टाइम्स आपने पीछे की तरफ। सिमिलरली आपने पहले राइट फुट किया, अब आप लेफ्ट फुट करें क्लॉकवाइज एंड
एंटी क्लॉक वाइज, आगे की तरफ और पीछे की तरफ आपने पैर को घुमाना है। अब आप एक बिस्तर पे या अपने बेड पे या आप यहाँ पे भी काउच पे आप ले जाइए, बेसिकली फुट स्ट्रेचर, सिंपली आपने फुट को ऊपर किया, रोका, फिर नीचे किया। सो आपने थोड़ी देर के लिए, कुछ क्षणों के लिए आपने रोकना भी है पैर को, जितनी मर्जी बार कर सकते हैं। सारी पार्किंसन के पेशेंट्स ये वाली सिंपल एक्सरसाइजेस कर सकते हैं। हैमस्ट्रिंग स्ट्रेचेस, हैमस्ट्रिंग थोड़ा सा मुश्किल है बट इतना भी मुश्किल नहीं है। अगर आपसे अकेले नहीं हो पा रहा है, आपके आसपास जो भी आपकी सहायता करने के लिए मौजूद हैं, आपके हेल्पर्स, आपके केयर गिवर्स, आपके जो भी फैमिली मेम्बर्स हैं, आप उनकी हेल्प ले सकते हैं। आपने क्या करना है, हमें लेटना है और आपने एक पैर पहले उठाना, उसको रोकना, फिर दूसरा पैर उठाना, उसको 5 सेकेंड रोकना। नी टू चेस्ट, सिंपल है, आप नी को चेस्ट पे ले जा रहे हैं। सो बेसिकली आप गए और आपने खींचा और आपने फिर सिमिलरली उसको वहाँ पे 5 सेकेंड रोका। सो पहले आपने लेफ्ट फुट राइट फुट ऑल्टरनेट करके 10-10 सेकेंड आपने रोकना है और आपने उनको 10 टाइम्स और 20 टाइम्स रिपीट करना है। अब आपने क्या किया, बोथ नीज टू द चेस्ट, बोथ नीज टू द चेस्ट मतलब आपने दोनों ही नीज छाती पे ले गए, आपने उनको पकड़ा और आपने उनको होल्ड किया थोड़ी देर के लिए, 5 सेकेंड्स 10 सेकेंड्स वट एवर यू कैन होल्ड देम फॉर फ्यू सेकेंड्स। ब्रिजेस, ये बहुत इंपॉर्टेंट एक्सरसाइजेज है, बेसिकली इससे आपकी बैक बहुत स्ट्रांग हो जाती है, सिंपल है और बैक के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। सो बेसिकली आपने घुटना मोड़ के लेटे और आपने अपनी पेल्विस या हिप बोन जो है हिप को ऊपर उठाओ, उसको 10 सेकेंड या 20 सेकेंड देखा। सिमिलरली बेसिकली स्ट्रेचेस तो हमारे ये बेसिक स्ट्रेचेस हो गए। अब हम आते हैं बैलेंसिंग एक्सरसाइजेस पे, बैलेंसिंग बिकॉज पार्किंसंस डिजीज में जो बैलेंस की जो प्रॉब्लम है वो भी आ जाती है। तो बैलेंस मेंटेन करने के लिए कुछ एक्सरसाइजेस हमें रूटीन बेसिस पे करनी चाहिए। सो बैलेंसिंग के लिए अगर हम देखें तो सबसे पहले है हील टू टो। आपने एक फुट का हील दूसरे जो फुट के जो टोज हैं उसको मिलाना, जैसे हम टिक टैक को बचपन में खेलते थे। यूजुअली आप क्या करें कि एक लाइन अगर आपके घर में फॉलो करने के लिए है तो दैट इज़ वेरी गुड, अगर नहीं है तो आप स्कॉच टेप आती है या टेप्स आती हैं ब्राउन कलर की, आप एक लाइन क्रिएट कर लें उस टेप से अपने रूम में और उसके ऊपर आप चलने की कोशिश करें। अगर आपको लगता है कि आपका बैलेंस बहुत अच्छा नहीं है तो प्लीज़ आपके साथ में आपके केयर गिवर या हेल्पर जो भी हैं आप उनको अपने साथ में रखें, उनका हाथ पकड़ के ही एक्सरसाइज करने की कोशिश करें। टो वॉकिंग, ये एक ये भी वॉकिंग का ही एक तरीका है, इसमें आपने पंजों पे चलना है, सिंपल है, आपने एड़ियां उठा के पंजों पे चलना है और अगर आपके पास एक वो लाइन है अपने रूम में आप कोशिश करें उस लाइन पे चलने की। सिमिलरली हील वॉक, हील वॉक भी सिंपल है, आपने पंजे उठाने हैं, इसमें ऑपोजिट कर रहे हैं, एड़ी पे चलना, आपने 10 सेकेंड 20 सेकेंड कोशिश करिए, 30 सेकेंड आप बढ़ा भी सकते हैं अपनी वॉक को। अगर आपके, मैं दोबारा दोहराती हूँ, अगर आपको थोड़ा सा भी लगता है कि बैलेंस नहीं बन पा रहा है तो आप अपने हेल्पर और केयर गिवर या अटेंडेंट को अपने साथ रखें या आपके कोई भी फैमिली मेम्बर आपका हाथ पकड़ लें ताकि आपका बैलेंस ना मिले। फिगर ऑफ एट, फिगर ऑफ एट भी बहुत इंपॉर्टेंट एक्सरसाइजेज है, इसमें आपने दो ऐसे ऑब्जेक्ट्स फ्लोर पे रखने हैं जो आपको हर्ट ना करें, इट कुड बी अ कुशन, इट कुड बी सम रोल्स, इट कुड बी व्हाटएवर यू फील, जो कि आप अगर गिर जाएं या आपका बैलेंस लूज करें तो आपको चोट ना पहुंचाए। आपने दो ऑब्जेक्ट्स रखे और आपने उन दोनों के अराउंड इस तरीके से वॉक करना है कि फिगर ऑफ एट बने। एट कैसे बनता है, ऐसे। सो बेसिकली आपने इस तरीके से वॉक करना है और इसको आप कोशिश करें 10 टाइम्स रिपीट करने की। नाउ कमिंग टू द कोऑर्डिनेशन एक्सरसाइजेस, कोऑर्डिनेशन, हैंड कोऑर्डिनेशन, बेसिकली आप हाथ से या फुट से कोऑर्डिनेशन कर रहे हैं कि भाई आपका एक एक्टिविटी और दूसरी एक्टिविटी जो अगर आप कर रहे हैं सो वो उसका तालमेल बना रहे। तो सबसे पहले सिंपल हैंड टैपिंग, आपने बैठे हैं कंफर्टेबली कुर्सी पे बैठे और अपना हाथ को एक पर्टिकुलर फ्रिक्वेंसी या रिदमिक तरीके से, रिदम के तरीके से थाइस पे आपने टैप करना है। अब ये जो है ये थोड़ा सा डिफरेंट है, दिस इज अ लिटिल ट्रिकी, प्रोनेशन एंड सुपाइनेशन। प्रोनेशन जो होता है बेसिकली आपका जो पाम है वो नीचे, सुपाइनेशन मतलब आपका पाम है ऊपर।
अब आपने एक हाथ का पाम ऊपर और दूसरे हाथ का पाम इस तरीके से, सो बेसिकली एक प्रोनेटेड है और एक एक प्रोनेटेड है और एक सुपाइनेटेड, और आपने ऑल्टरनेटिंग मूवमेंट्स करने हैं। ठीक है, आप डॉक्टर राजू किस तरीके से कर रहे हैं, तो टैपिंग कर दिए बट ऑल्टरनेटिंग मूवमेंट्स। सो बेसिकली नाउ यू कैन सी दिस इज ऑल्सो अनदर वेरी इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज, हैंड डबल टैप। सो आपने क्या करना है, दो बार सुपानेशन में और दो बार प्रोनेशन में आपने टैप करना है हाथ में। यूजली देर इज समथिंग कॉल्ड प्रिजर्वेशन इन पार्किंसन डिजीज। पार्किंसन के पेशेंट जो हैं दो की जगह तीन बार कर लेते हैं या एक बार कर लेते हैं, तो हम अपने पेशेंट्स के साथ जब एक्सरसाइज कराएंगे हम उनको एनकरेज करेंगे कि वो सिर्फ दो बार भी टैप करें और थर्ड टाइम पर रुक जाए। फुट टैपिंग, फुट टैपिंग में आपने सिंपल है फुट के एक एक करके फ्लोर पे टैप करना। फिंगर टू फिंगर कोऑर्डिनेशन, फिंगर टू फिंगर में व्हाट वी आर ट्राइंग टू डू इज क्रिएट कोऑर्डिनेशन बिटवीन द टू हैंड्स, राइट। सो बेसिकली वी आर ब्रिंगिंग द फिंगर्स फ्रॉम अपोजिट डायरेक्शन एंड ट्राइंग टू टच द टिप ऑफ द बोर्ड। देखिए डॉक्टर राजू कैसे करें, सॉरी तो डॉक्टर राजू बाहर अपने हाथ लेते हैं एंड देन ही इज ब्रिंगिंग बोथ द फिंगर्स टुगेदर एंड देन यू टेक देम अवे एंड देन यू ब्रिंग बोथ द फिंगर्स टुगेदर। देयर इज समथिंग कॉल्ड फिंगर टू नोज, दिस इज उसी का एक अलग एक तरीका है। इसमें आपने एक टिप ऑफ द फिंगर्स नोज को टच करना और आपने दूसरे हैंड की इंडेक्स फिंगर को टच करना। Just repeat these exercises multiple times. So basically हमने देखा aerobics, stretching, strengthening हमने नहीं देखा because that might be difficult at home without a supervision, है ना। And हमने देखा coordination exercises and balancing exercises. ये सारी exercises भी अगर आप लोग या आपके Parkinson's disease के patient करते हैं तो it is very important, it becomes very help एक हो जाती है मरीज के लिए कि भाई एक physical regime या physical activity बन जाती है और patient की जो Parkinson's disease की problems हैं कुछ हद तक कम हो जाती है, progression rate भी कम होता है। आप ये याद रखिए physical therapy जो या फिर physiotherapy, physical form of therapy, it is one of the most important steps in you know getting or in the management of Parkinson's disease. आप एक physical therapist ढूंढें जो कि Parkinson's disease में trained है और आप कोशिश करें उनके साथ नियमित रूप से touch में रहें, एक routine बनाएं अपना, एक discipline बनाएं और exercises का एक goal बनाएं कि अच्छा हम इस हफ्ते इतनी exercise करेंगे। motivation लाना पड़ेगा अंदर से, basically motivation कई बार अपनी बीमारी के साथ में कम हो जाता है बट वो मोटिवेशन आपको अंदर से ही गिराना पड़ेगा। वो एक्सरसाइज तो शुरू करें जो आप इंजॉय करते हैं और स्टिक विद दैट। अगर आपके कोई फ्रेंड्स हैं जो आपके साथ एक्सरसाइज बेसिकली कर सकते हैं तो डेफिनेटली आप उनके साथ क्लब करके या उनका अपना एक ग्रुप बना के एक्सरसाइज करें। कोशिश करें एरोबिक, स्ट्रेंथनिंग, बैलेंसिंग एंड स्ट्रेचिंग, ये सारी एक्सरसाइज आप अपने फिजिकल रिजीम में लाएं। दैट कुछ कुछ थोड़ी देर के लिए करें, चाहे थोड़ी देर के लिए एरोबिक्स करें, फिर एक दिन आप स्ट्रेंथनिंग पर ज़्यादा ध्यान दें, एक दिन आप बैलेंसिंग पे या स्ट्रेचिंग पे करें। आप पूरे हफ्ते में एक रजीम बनाएं जिसमें कि आप अलग अलग एक्सरसाइजेस का इनकॉर्पोरेट करें अपने फिजिकल। कोशिश करें कि आप कुछ नई मोटर स्किल लर्न करने के लिए, अगर आपका कुछ हॉबी है फॉर एग्जाम्पल साइकिलिंग या फिर आपको लगता है योगा सीखना है, योगा हमारे यहाँ पे बहुत आराम से क्लासेस योगा टीचर्स मिल जाते हैं, क्लासेस मिल जाती हैं, तो वो सारी चीज़ें भी अगर आप कर सकते हैं। योगा करते समय एक चीज़ का ध्यान रखें, जो योगा मैट है वो थोड़ा थिक होना चाहिए। आई थिंक ये जो सेशन था इसमें हमने एडिक्वेटली आपको समझाया है कि एक्सरसाइजेस सिंपल हो, रूटीन में हो, तो आपकी एक पार्किंसन्स डिजीज को रोकने में सहायता हो सकती है। जस्ट स्टिक टू वट एवर रिजीम यू लाइक, विट एवर फिजिकल एक्सरसाइज जो आपको अच्छी लगती है, जिसको आप इंजॉय करते हैं, चाहे आप अकेले करें चाहे फ्रेंड्स के साथ करें, तो वो एक्सरसाइजेस जब आप रूटीन में करेंगे तो पार्किंसन डिजीज का प्रोग्रेशन डेफिनेटली और डेफिनेटली कम होगा।
और आपकी पार्किंसन डिजीज के जो लक्षण हैं, जो सिम्टम्स हैं, वो भी आपके कम हैं।